सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलीट में। मैं ब्रजेश आपको यहां पर आज बताने जा रहा हूं जीके टेस्ट, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके रेलवे के ग्रुप डी के लिए, और आरपीएफ एंड एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सभी के लिए। ये क्विज 4 है, क्विज 3 में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की। तो आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के पैकेज हमारे इस टेस्ट सीरीज में बाय कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज अगर आप खरीदते हो तो आपको करंट अफेयर्स फ्री में मिलेंगे पूरे। और अगर आप एएलपी का टेस्ट खरीदते हो जो कि 99 रुपये में, आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और डिटेल एनालिसिस रैंक भी बताया जाएगा। ओनली हिंदी में ये टेस्ट अवेलेबल है। ऐसे ही आप ग्रुप डी के भी टेस्ट को आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल डेमो टेस्ट भी आप दे पाओगे और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और दोनों की 12 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को खरीद लीजिए और अपने जांचिए अपने आप को कि कितनी आपकी तैयारी है। और कुछ पब्लिकेशंस है हमारी कि मैथ्स का आप सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं 2003 से 2014 तक रेलवे में जितनी मैथ्स आई है पूरा उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपये में। रेलवे ग्रुप डी का भी पीडीएफ आप खरीद सकते हो जो कि आपको जो है यहाँ पर 50 रुपये में मिलेगा। हिंदी की भी पीडीएफ आप खरीद सकते हो 50 रुपये में मिलेगा, बहुत ही वेल अच्छे तरीके से बनाया गया, डिटेल्ड है, चैप्टर वाइज है, बहुत ही अच्छा फिजिक्स इसमें समझाया गया, तो इसको भी आप खरीद सकते हो। और अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हो जैसे कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की जो है पीडीएफ बुक खरीद सकते हो जो कि आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वो देखने को ये मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया। तो क्रोएशिया की जो है करेंसी पूछा गया है आपको कि करेंसी क्या है। तो क्रोएशिया की जो करेंसी है वो होती है भैया क्रोएशियन होती है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मिलता जुलता नाम है तो आप लगा सकते हो, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कई जगह के जो है चेंज रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक हरी सिंह नालवा। ठीक है, हनी सिंह नालवा, चैंपियन ऑफ द खालसा जी, जो कि 1791 से 1837 तक। तो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और सबके देखिए जो है आपके सरनेम इसमें सबके एक से ही दिए गए हैं, तो इसमें आप जो है ट्रिक वगैरह नहीं लगा सकते कि भाई नावला है वही एक होगा, तो इन चारों एक ही से दिए हैं। तो आपको नाम बताना है कि मेन नाम कौन सा है। तो मेन नाम की अगर हम बात करें तो वो है भैया सेकेंड वाले हमारे वैनित जो है नालवा जी। तो अब इनकी बात करते हैं कि क्या है। तो डॉक्टर जो है आपके वैनित नालवा जी, उन्होंने एक बुक जो है हरी सिंह नालवा को, मतलब उनको प्रेजेंट है, प्रेजेंटेड हर बुक। और उसके बाद हम बात करें चैंपियन ऑफ द खालसा जी। अब इनको क्या हुआ था कि इनकी अगर बताएं, ये जो नालवा इस सरनेम का क्या फंडा है, तो देखिए सरनेम की अगर हम बात करें तो इनको क्या बोला गया था कि जो नालवा जी है सिख वॉरियर हु लिव्ड इन 19th सेंचुरी गॉट हिज सरनेम आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह सेड वाह मेरे राजा नालवा। तो नालवा जब उन्होंने बोला ना वाह मेरे राजा नालवा, तो उन्होंने नालवा ही उसको जोड़ लिया अपने सरनेम में। तो ये इनकी थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री थी। ठीक है, बस इतनी सी है, बाकी आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि किनके कारण उनका नाम पड़ा है, तो महाराजा रंजीत सिंह। यही क्वेश्चन बस इससे बन सकता है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेम द लेक दैट हैज बिकम द सिंगल लार्जेस्ट हैबिट ऑफ इरावडी, ठीक है, डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपसे एक नाम पूछा जा रहा है लेक का, ठीक है, तालाब का नाम पूछा जा रहा है। तो जहां पर जो है इरावडी डॉल्फिन जो है, जैसे कि हमारी गंगा डॉल्फिन है उसी टाइप से ये डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो कौन सा लेक है, लेक का नाम पूछा गया, तो वो है ये चिल्का लेक या चिल्का झील भी आप इसको बोल सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन ये है कि जो चिल्का है, ठीक है, चिल्का झील या चिल्का लेक बोलो आप उसको, कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये कहाँ पर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है इसका।
अगला प्रश्न है कि भैया नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? नौरादेही। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एमपीपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये न्यूक्लियर थर्मल पावर मत लगा देना इसको, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो रेलवे के अंतर्गत आता है, ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जाम निकाला था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है कि द एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में या ब्रसेल में? तो ये जो है आपका, ये है आपका लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में है यहाँ पर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इन विच बैंक द फर्स्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम मार्च 1, मतलब 1 मार्च 2018 से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को स्टार्ट करने वाला या बेचने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास SBI, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक है ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ जो है इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक है। उसके बाद अगर हम बात करें RBI है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके आंसर की, तो इसका आंसर है SBI। अधिकतर चीज़ें SBI ही मेनली करता है क्योंकि इसके जो है शेयर ज़्यादा है थोड़े से। और अगर हम बात करें 1 मार्च 2018 से 10 दिनों के लिए जो है सिलेक्टेड ब्रांच स्टेट ऑफ इंडिया में द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 2017-2018 यूनियन बजट, ठीक है, स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर किया गया है। इसमें क्या है कि देखिए अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ से जो है लेकर यहाँ तक कि ये चीजें आपको बॉन्ड आपको अवेलेबल होगा, इनके मल्टीपल में होगा और 15 दिन जो है उसमें इसी आपको कर दिया जाएगा। तो ये है कि 1,000 के मल्टीपल में 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से जो है आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेनली आपको याद रखना है कि भैया 1,000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ के जो है मल्टीपल्स में आपको यहाँ पर बॉन्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मेनली जो है क्वेश्चन जो है हमारा कि SBI, क्योंकि एक तरीके का एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भैया कोनार डैम इज लोकेटेड इन, जो कोनार डैम है वो कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है यहाँ पर झारखंड। झारखंड में जो है आपका कोनार डैम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आज का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो कोनार डैम है, ठीक है, कहां पर, मतलब तो है वो तो बता दे, झारखंड में किस नदी पर, किस रिवर पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है, ठीक, किस नदी पर बनाया गया, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके। अगला प्रश्न है कि भैया वॉर हॉर्सेस जो है स्टेडियम वो कहाँ पर है, ठीक है, वॉर हीरोज, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये स्टेडियम कहाँ पर, देखिए वॉर यानी कि लड़ाई, ठीक है, तो मेनली अगर हम लड़ाई इनमें से देखें तो देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया। तो पंजाब पे अगर आप गौर करते हो तो यहाँ पर क्या है भैया, पाकिस्तान है हमारा। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में है और इंडिया में भी है, तो मेनली यहाँ पे लड़ाई हुई होगी। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई चीजें हुई थी तो पंजाब में ये चीज होगी, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप वो कर सकते हो। तो इसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड जो है काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? सीधे सीधे बात की जा रही है, वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 13 नवंबर को और 12 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है आपका 13 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया की राजधानी के बारे में पूछा गया है कि जो कोलंबिया है उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, राजधानी पूछा है। तो राजधानी जो है इसकी कोलंबिया की, अगर हम बात करें तो बोगोटा इसकी राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी क्या होती है? बोगोटा। इसको बिल्कुल रट लो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होती है, ठीक। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जल्दी इसका पार्ट 5 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप उसको रिवाइज कीजिए और जो पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।